हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल ढाबा स्टाइल एग करी। और ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाते हैं जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 5 अंडे बॉईल करने हैं और इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद इसे बॉईल कर लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। जब तक यहाँ पर अंडे बॉईल हो रहे हैं, हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, 3 हमने स्मॉल साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। प्याज और टमाटर को हम रफली चॉप कर लेंगे। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, 3 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 स्मॉल स्टार फूल, 1 इंच हम दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 3 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची जिसके हमें सिर्फ सीड्स चाहिए, और थोड़े से पानी के साथ इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये हमारा ओनियन पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है। इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी ग्राइंडिंग जार में हम टमाटोज ऐड करेंगे और उसका भी पेस्ट बना लेंगे। टमाटर के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। दोनों को हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर अंडे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब इसको हम छील लेंगे और नाइफ से थोड़े थोड़े दूर पर कट्स लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो अंडे फटेंगे नहीं, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम और साइड में रख देंगे। अब एक पैन में हम 2 सर्विंग स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप इसकी जगह कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अंडों को डालेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, या जब तक उसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए तब तक उसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद निकाल लेंगे। अब हमें उसी पैन के अंदर ज़ीरा ऐड करना है, 1/2 टीस्पून, 2 तेज़पत्ता, और यहाँ पर मैंने देगी लाल मिर्च का यूज़ किया है जो ग्रेवी को बहुत अच्छा कलर देगा। और इसके साथ ही हम तुरंत ऐड कर देंगे ओनियन पेस्ट और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, बिल्कुल दानेदार हो गई है। तो इस तरह की ग्रेवी हो जानी चाहिए। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ढक देंगे, ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अभी इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, सूखी हुई कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और जिंजर। अदरक को हमने लंबाई में इस तरह से काट के ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब हमें ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे ढक देंगे और एक बॉईल आने देंगे। जैसे ही बॉईल आ जाएगा इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे। और इसे फिर से ढक देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे लो फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है, ऑयल सरफेस पर आ चुका है। अब इसमें हम फाइनली थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके रहने देंगे 10 मिनट के लिए। तो जब भी आप सर्व करें तो आप तुरंत सर्व नहीं करेंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए रहने दें ताकि जो ऑयल है अच्छी तरह सरफेस पर आ जाए, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।